عليه في حج السات وفي كل السات من سات الليل والنهار وليم وحافظ وقائد مناصر ودليل وعين حتى تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلي على محمد وعلى محمد واجل فرجا آل محمد صلوات باواز بلند माशाल्लाह मजमा काफ़ी है, काफ़ी तादाद सदात मोमिनीन मातमी अजादार तशरीफ फरमाओ। कोशिश करके खानदान सैयदा ते जितनी बुलंद आवाज पढ़ सको उतनी बुलंद सलवार। अपने अपने मरहूमीन बिलखसूस बानी मजलिस किबला सैयद नजमुल हसन शाह साहब दे जितने मरहूमीन इस जहान फानी तो टुर गए तमाम रहमीन के दर्जात की बुलंदी वास्ते भी बावाज़े बुलंद सलवात। सरकारी कायम अल मोहम्मद हुज्जत खुदा दे आमद सलामती वास्ते भी बावाज़े बुलंद सलवात। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह पढ़े लिखे जीरक और मुकद्दस समाता रखने वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा। एक लम्हा जनाब दा जाया किते बगैर अपनी नौकरी का आगाज एक बहुत खूबसूरत रुबाई तो करें। पहलियां दो लाइना दो मिसरे ओ हैं तमहीद, अगलियां दो लाइना नतीजा। जिथे तुहाडी दाद और दुआ की आवाज़ उसी उस दे बाद कसीदे का फैसला करने के केड़ा कसीदा पढ़ना चाहिए। इजाजत है जिक्र शुरू करने से अर्ज करें कि है अब भी याद भजन इको कम करें है अब भी याद हर एक को शुजा ते हैदर। मैं काफ़ी देर दा मेंबर रसूल ते बैठा मजमे दी कुछ पोजीशन जो मैं समझ आई है कि मजमा इंतजार चे कि कोई जाकिर कोई आलम कोई वाइज कोई नई बात करे तो उसको दुआ दीजिए। आप दाद नहीं भी देंगे तो मेरा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि जो रुबाई मैं आपकी खिदमत आली में पेश कर रहा हूँ शाह साहब ज़्यादातर इवें होया कि ये रुबाई में पढ़िए ते मजमे मेरे नाल दाद दा उधार कर लिए। ठीक है जी भाई, जिस वेले किसी मातमी अजादार नूं गल समझ आईए उन्होंने मैंने फोन करके आख्या बई यासर भाई तुहाडी गल दी हुण समझ आई है बई क्या कहने। यकीन जान बड़े ढेर ढेर अरसे बाद हफ्ते बाद दो हफ्ते बाद यासर भाई वो जड़ी तुसा रुबाई पढ़ी है ना वो हुण समझ आई बई सुभान अल्लाह। वेदियां हलाली मवाली तशरीफ फरमाए बड़े आला है कच्ची तो फिर जाकरी का घर है। मैं रुबाई पढ़दा तो फिर वेदियां अज भी कम नकद या उधार ही है। मैर्ज करें कि है अब भी याद हर एक को शुजात हैदर के जुल्फिकार से नेजे से तीर से मारे। जी मैं शुक्रगुजार हाँ मैं पहले अर्ज की है कि मैं तो दो लाइना पहलिया तमहीद पढ़नी है तुसा तमहीद ही चीज पजीराई कर दी मैं थोड़ा शुक्रगुजार हाँ। गल मैं खोलन लगा गल कड़े मौके की कर रहा मेरे मालिक मजमे का मयार समात उत्थे होवे जिथे रुबाई है। मैं अर्ज करें कि है अब भी याद हर एक को शुजात हैदर के जुल्फिकार से नेजे से तीर से मारे। मैं आख रहा कि अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से मारे।
चलो किसी ने कसम बताई उसे। नहीं क्या कह रहे हैं विश्व भाई, आप सलामत है भाई, तुसी बस गए, सलामत रहो, सलामत रहो, आप जिए, आप जिए भाई, आप जिए, मालिक आपकी मार्फत सलामत रखे। फिर उसको अच्छा, मेरा छोटा भाई है, मालकों का मदा खान है, फरमा रहे हैं कि एक दफा फिर कह दें, आप सबका प्रोग्राम है, फिर कह दें, है अब भी याद हर एक को शुजात हैदर के, जुल्फिकार से नेजे से तीर से मारे अली ने इतने न मारे तमाम जंगों में कि जितने पाक नबी ने गदीर से। मालिक सलामत रखे, निकालो इमाम से। अच्छा मैं अर्ज की थी भाई, जितनी देर मैं मेंबर से बैठा रहा, मैं सोच च रहा कि कसीदा केड़ा पढ़ना चाहिए, फिर मैं फैसला किया कि ई रुबाई पढ़नी है, तो अगर तो मजमा कबूल करे तो फिर कसीदा मैं तुम्हें एक शाहकार सुना, ठीक है, तो जे मजमे का और रिस्पॉन्स ना आया तो फिर कोई सौखा जहा कसीदा इंतखाब कर। लेकिन मैं वेखे कि जिन्हें बंद जिन्हें मेरे मातमी भरावान ने दाद नहीं दी उन्होंने चेहर से कम अज़ कम जिक्र अली मुहम्मद सुन के मुस्कुराहट जरूर आई है, ठीक है। इतना ही टाइम है कि मैं इको कसीदा पढ़ा, लेकिन पूरा पढ़ा, ठीक है जी। बा जी मजमा थोड़ा कमाल है, इंशाल्लाह थोड़ी जी मजीद अगर मत, चलो मैं किसे तमहीदी नहीं पाँगा, मैं एक रुबाई पढ़दा अपने कसीदे की मौजू वास्ते, ठीक है, कि किस मौजू ते कसीदा पढ़ रहे हैं। पहला जुमला ही आप सुने ही कमाल है, किबला उस्ताद कमर जलालवी साहब उन्होंने एक रुबाई है, एक कथा है, वह मैं पेश कर रहा, ये तमहीद है जी कसीदे की, तवज्जो है। अच्छा आप देख लें फिर मैं पढ़ता हूँ, सलवात खानदान से मालकान कमाल मदा खान जी, मेरे बड़े भाई भैया, भाईजान अब मैं पढ़ू जिस मौजू ते मैं कसीदा पढ़ना चाह रही हूँ, सुनिए। हसन ये कहते थे, हसन ये कहते थे कर लें जफा जफा वाले, हसन ये कहते थे कर लें जफा जफा वाले, घोड़े ते जेड़ा कसीदा नहीं पढ़दे नु आपा ते चे। अच्छा ठीक ठीक है, तशरीफ रखो। हसन जी कहते थे कर लें जफा जफा वाले, अरे खुदा के राज बताते नहीं खुदा वाले, पता नहीं यकीन जानो कि पता नहीं मैं पढ़ना क्या है तो तुसां सुनना क्या है, तुसी रुबाई दे इंतजार च ते मैं तुहाडी तवज्जो दे इंतजार च, तुहाडे उस मयारे समाज दे इंतजार च। मैं इस करें कि हसन जी कहते थे कर ले जफा जफा वाले, खुदा के राज बताते नहीं खुदा वाले। इमाम फरमा रहे हैं कि सवाल मुझसे ये करते हो सुलह क्यों कर ली, जवाब इसका तुम्हें देंगे करबला वाले। आपके प्यार का शुक्रिया, आपके बादशाह
कसीदा में बड़ा शाहकार पढ़ना पढ़ने लगा हूँ, आपके मजमे ने सुनने, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन सारे मुश्किल कुछ आके मानने वाले हैं। देखिए जी, कसीदे का मौजू सरकारी इमाम हसन बादशाह, ठीक है जी? ठीक है, मैं अगर दाद सिर्फ दाद मकसद होता तो कुछ और पढ़ता, ठीक है? सिर्फ दाद मकसद नहीं, कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? तो उन्होंने मैं सलवाद दी तकलीफ ही नहीं देता, कसीदा शुरू। तवज्जो है लफ्जों की जैसे लफ्ज हो ना जी, वैसी दाद होनी चाहिए। उन्हीं की आमद का मुंतजिर हूं, है घर का घर इन नमा हसन का, ठीक है? तवज्जो कीजिएगा, एक इशारा कर रहा हूं, एक इशारा कर रहे हैं वो, इससे मुराद सरकार इमाम हसन, मजीद तौजी नहीं। ज़ेन अल्लाह मैच करें की आमद का मुंतजर हूँ। बाजी लफ्ज मैं कमाल पढ़ने, यकीन जानो तुहाडे सोहने चेहरे की कसम है, मैं कमाल लफ्ज पढ़ने, ठीक है? मजमा उठे आवे तो फिर मैं कसीदा शुरू करा। उन्हीं की आमद का मुंतजर हूँ, है घर का घर इन नवा हसन का, वो हा के मुझको जो दें इजाजत तो मैं करूँ तस्करा हसन का। अभी मैं तमहीद में हूँ, एक शेर में इमाम हसन बादशाह के कसीदे की तमहीद के तौर पर जिक्र तौहीद का पढ़ता हूं, ठीक है? जुल्फकार भाई, तज़किरा है सरकार इमाम हसन का, मौजू के तौर पर, उनवान के तौर पर जिक्र तौहीद का, है घर का घर इन नमा हसन का तो मैं करूं तज़किरा हसन का। अगर इस शेर के बाद दाद वहां आई तो फिर यहां से कसीदा शुरू, नहीं तो तमहीद के तौर पे चार पांच शेर और पढ़ेंगे। तो जो आज करें यहां खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिन से शुक्रगुजार, मैं हाथ जोड़ के थोड़ा शुक्रगुजार हाँ, क्या बात है थोड़ा सुना दी बाजी, मजमा थोड़ा उठे आ गया, हूँ तमहीद ना करा, ठीक है? खुदा की पहचान बन के जिस दिन मुझे तारुफ हुआ हसन का, मुझे भी उस दिन से आ रहा है समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। मैं शेर पढ़ने, इतना एक नशा और इतना एक सुरूर इस शेर का है, मैं तुम दस नहीं सकता,
बाजी थोड़ी तरफों दात भी हो गई तो दुआ भी हो गई। एक बारी थोड़े नौकर शेर पढ़ने जरा मजमे ते निगाह करनी। कसीदा शुरू हो रहे 15 रमजान नू सरकारी इमाम हसन बादशाह का जहूर हो गया, नजूल हो गया, वरूद हो गया। ठीक है, 15 रमजान नू जदों सरकार का जहूर होया इन नमा हसन का, तस्करा हसन का, तारुफ हुआ हसन का, समझ में कुछ कुछ खुदा हसन का। तजो 15 रमजान आमद होया क्या फलक से आगोश से पता नहीं किसने मजा लिया, किसने लुत्फ लिया। ओए होए, फलक से आगोश सैयदा में, आप दुआ करें, आपका नौकर क्या पा? ओए, फलक से आगोश सैयदा में नुजूल जब कर चुका हसन का, अली के होंठों से काम लेकर, पता नहीं बंदे तड़पे क्यों नहीं आए। मैंने पढ़ा क्या, तड़प के दाद क्यों नहीं आई। अली के होंठों से काम लेकर खुदा ने बोसा लिया हसन का। तड़प के दाद देना फिर लोग पढ़ने का लुत्फ है। एक बंदा था सरकारी खत्मी मर्तबत का दुश्मन था। ये भी है साड़ी शराफत ही है, अल्लाह अल्लाह दे सोने हबीब दे दुश्मन नू भी ऐसी बंदे याद है। नहीं चलें फिर कोशिश करते हैं। वो बंदा अल्लाह दे सोने हबीब नू अबतर यानी कि बे औलाद होवन दा ताना देता है। ठीक है, सरकारी इमाम हसन बादशाह दा जहूर होया, अल्लाह दे हबीब दे चेहरे ते एक बड़ी कमाल मुस्कुराहट। एक बंदा टुरदा टुरदा करीब आया, वे क्या कर लगा, रसूल खुदा आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं। सरकार मुस्कुराए, इधर बस वे कह दे तू तो मैंने अब तर आदा वे ना, गौर ना सुन अभी ना तोजो तोजो कैमरे कैमरे तो अगे अगे काम ठीक है जी। ठीक है, पीछे इस लाइट की वजह तो कुछ चेहरे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन मैं कोशिश करता जेड़े मैं नज़र नहीं भी आ रहे वो भी दुआ करें, क्योंकि मैं उन हस्तियों का जिक्र कर रहा हूँ कि जो अपने मानने वालों का इम्तिहान चिराग बुझा के लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है, लफ्जों के साथ चले जी। हजूर जरा वो कमीना आदई ना अब तर बे औलाद, हजूर उसके पास वे कह दें अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मादी तलक चलेगा, अभी चरागों का सिलसिला तो जनाब मादी तलक चलेगा, अभी तो जहरा के घर मुन सदके। क्या कह रहे बस देखो बोल
बाजी कुछ बंदे मजलिस च आंदे ने इस नीयत नाल कि जिस जाकिर नूं सारा मजमा दात देवे असी जाकिर उस नूं मनदे हां। ठीक है, अगर सिर्फ दात ही मकसद है तो देख, एक बंदा आई तारीख च, एक हजरत गुजरे, हजरत बड़ा शौक आई उसनों अपने ना दे नाल लफ्जे अमीर लावण दा। ठीक, इशारे ते ही गुजारा करो। ठीक, हजरत संजैदी साहब फरमाते हैं कि मेंबर पाक है, मैं उनका नाम क्यों लूं? मेंबर पाक है, मैं उनका नाम क्यों लूं, उनका जिक्र क्यों करूं कि जिनका नाम अच्छे तरीके से लिया जाए तो अल्लाह पकड़ लेता है, बुरे तरीके से लिया जाए तो पुलिस पकड़ लेती है। ठीक है, तो इशारे थे जी गुजारा करना। ओ हजरतन, बड़ा शौक है उसनों अपने नाम के नाल लफ्जे अमीर लाना। ठीक है, एक दफा सरकारी इमाम हसन बादशाह उस अपने दरबार बुलवाया शाम। ठीक है, शेर शुरू हो रही जी। शाम बुलवाया अपने दरबार ते आखन लगा कि हसन है तू भी रसूल खुदा का रिश्तेदार ते कुछ कुछ इशारे वाला मजमा नहीं है, सख्त बात वाला मजमा है। तू भी रसूल खुदा का रिश्तेदार ते कुछ कुछ मैंने हसन, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम भी अमीर और कुछ कुछ। हसन, मैंने ये समझ नहीं आ रही कि असी आपस दे विच लड़दे क्यों पे? इमाम हसन इस दे पास वे कहदे लकब बदलने से शाम सबके इमाम हसन ने इस दफा से कह दें लगब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता, लगब बदलने से शाम वालों कभी मुकद्दर नहीं बदलता, फकीर चाहे अमीर लिख ले सदके जी। कुछ बंदे शेर से बोल पे, कुछ बंदे अजे मैंने इवें ही वेख रहे जिमें टी वी वेखी। ठीक है, तो मुर्शद ने बड़े प्यार नाल खलूस नाल मैं मजलिस की दावत दी है, सारे ना बोलन तो पढ़ने का लुत्फ नहीं। ठीक है, जितने बंदे जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है, जरा इशारा देखिएगा नौकर का, शेर मेरे साहब भी बनेंगे। इशारा देखिएगा, सैयद बादशाह लुत्फ रहा है। सरकारी इमाम हसन बादशाह खुतबे मेराज अपने नाना के मेराज का वाक्या बयान कर रहे थे मस्जिद नबवी। एक बंदा आ गया, वो आखन लगा हसन एक ही में हो सकते, 18,000 साल दी रात 90,000 कलाम, जदों हजूर मेराज तो वापस आए जिस बिस्तर चोट के गए नो गर्म आई, जदों वापस आए जिस दरवाजे च गुजर के गए उसका कुंडा उमें हलदा पे आई, जदों वापस आए जिस पानी में वजू करके गए वो पानी उमें चलता पे आई। हसन हसन एक किवें हो सकते? इमाम ने फरमाया तू औरत हो के नहीं ना बोलते यार साहब। अच्छा देखिए, चूंकि हुज्जत खुदा के लबों से ये बात निकली, तारीख ये कहती है कि इमाम ने पूरा जुमला इरशाद नहीं फरमाया, इमाम ने फकत इतना अभी कहा था
कि तू औरत हो के इशारा देखेगा हजूर, जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है। शहीद बादशाह इशारे का लुत्फ लीजिएगा। जब इमाम ने फरमाया ना, तू औरत हो के होया क्या, जो लोग यहाँ शायरी अदब सुनने के लिए आए हैं, जो अगला मिसरा है ना जी, इस शेर का अगला मिसरा नतीजा, मेरा सारा कसीदे की एक तरफ इकल्ला मिसरा समझ कम बंदों को आएगी, ठीक। दो ही ऐसे बंदे होंगे जो चुप रह जाएंगे इस बात पे, एक वो कि जो ये तखयल सुन बैठा है, जिसने ये ख्याल पहले सुना होगा शाह साहब, एक वो होगा जो ये तखयल सुन बैठा है, दूसरा वो होगा जो बिल्कुल सुन बैठे, ठीक है नहीं। तीसरा ऐसा बंदा नहीं है। तजो जब इमाम ने फरमाया तू औरत हो के होया क्या, क्या बात है जनाब ने मेरे समाज दी, अल्हम्दुलिल्लाह जी है मेरी मेहनत दी, तुसा अच्छे के फरमाई, इधर लबों से ये बात निकली उधर मुनाफिक मुनाफिका थी, तुम्हारा मर्दों में काम क्या है, ये लफ्ज़ कुन बन गया हसन, ठीक है। एक आधा शेर ऐसे समझें कि जैसे होता है फिनिशिंग टच, ठीक है। आधा शेर सुनिए अली बादशाह की शान का, मैं जा रहा हूँ आपको दुआ देके, मालिक आपकी ये मेहनत कबूल फरमाए, आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, शाह साहब का ये पुरखलूस है तमाम, मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। शुरू करें जी। दौर दे विच किसे मकान दे उते या अली मदद लिखा होए, अली बादशाह दा नाम लिखा होए, मुल्ला दी नजर पै जाए आधे मकान शिया दे, किसे बंदे दे नाम दे नाल अली बादशाह दा नाम आवे फौरन मुल्ला दे बंदा शिये, किसे कार दे उते किसे बस दे उते अली बादशाह का नाम लिखा हुआ मुल्ला दे कार शिया दिए बस शिया दिए ए शिये मैं कह मुल्ला अगर अली बादशाह की नस्बत की वजह नाल अली बादशाह नाल रिश्ते की वजह नाल ताल्लुक की वजह नाल तू असान शिया दें तो फिर तू गल कर ली, हुण मेरी सुन।